राहुल गांधी नूं अतवादी कहण ते रवनीत बिट्टू खिलाफ कांग्रेस ने खोलिया मोर्चा। दिल्ली दे तुगलक रोड पुलिस थाने च केंद्र राज मंत्री खिलाफ FIR दर्ज करवाउण पहुंचे कांग्रेसी आगू। कल खड़गे ने PM तो कीती सी एक्शन दी। हाईकोर्ट पहुंचा राहुल खिलाफ विवादित बयानबाजी का मामला। रवनीत बिट्टू खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट च पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर। पटिशनकर्ता बोले बिट्टू की टिप्पणी नाल भड़क सकती है हिंसा। अमेरिकी दूतावास वालों 7 पंजाबी एजेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज। स्टूडेंट वीजा लई जाली दस्तावेज लगाउण दा इल्जाम। DGP तो एजेंटा खिलाफ कार्रवाई करन दी मांग। मोहाली च फार्मा कंपनी के मालक नूं गोल्डी बराड दे नाम ते धमकी। 2 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं देने ते धमकाया। पुलिस ने गोल्डी बराड खिलाफ FIR की दर्ज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चोणां लई अज पहले गेट की वोटिंग। 7 जिलों दी 24 सीटा ते हो रही वोटिंग। महबूबा की धी समेत कई वड्डे चेहरियां दी साख दात। बठिंडा च गद्दा बनाउण वाली फैक्ट्री च वड्डा हादसा। अग लगन नाल 3 कर्मचारियों की मौत। कड़ी मशक्कत तो बाद अग ते पाया काबू। गुरदासपुर च मिनी बस ते बाइक विचाले जोरदार टक्कर। हादसे च मोटरसाइकिल सवार की हुई मौत। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर भी आई सामने। लेबनन च नवे तरीके नाल सीरियल ब्लास्ट। हजारा पेजर चो इको समय होया धमाका। 12 की मौत 3000 तो ज्यादा जख्मी। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब। देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी पिछले दिन अमेरिकी दौरे पर गए थे ते उत्थे सिखां नूं लै के उन्होंने वालों एक टिप्पणी की गई थी, जिसते पलटवार करते हुए रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी नूं अतवादी कह दिता सी। राहुल गांधी हुण अतवादी कहने जो कांग्रेस है भड़कती हुई विखाई दे रही है। कांग्रेस ने केंद्र राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस थाने पहुंचे ने कांग्रेसी आगू। शिकायत दर्ज करवाने के लिए इस विचाले बिट्टू के खिलाफ FIR दर्ज करवाउण पुलिस थाने पहुंचे ने। कल खड़गे ने PM मोदी तो एक्शन की भी मांग जो है पूरे मामले की। राहुल गांधी अतवादी कहने जो कांग्रेस है कितना कितने भड़कती हुई विखाई दे रही है। कांग्रेस ने केंद्र राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोल दिता है। दरअसल राहुल गांधी के वालों सिखां नूं लेके एक बयान दिता गया सी, टिप्पणी की गई सी कि भारत इस गल की लड़ाई गई है कि सिखां नूं दस्तार पाउण दी इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी, कड़ा पाउण दी इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी, जिसते पलटवार करते हुए रवनीत बिट्टू के वालों राहुल गांधी नूं अतवादी कह दिता गया सी। हालांकि रवनीत बिट्टू के वालों आ भी कहा गया कि राहुल गांधी खालिस्तानी एजेंट जो एजेंडे नूं हवा देने का काम उन्होंने वालों किया गया है, सिखां दीआं भावनावां नूं भड़काया है। राहुल गांधी के वालों अपने पिता वर्गा बयान जो ने राहुल गांधी अमेरिका च दे के आए ने। इस विचाले तरविंदर मरवाह के वालों भी एक बयानबाजी की गई सी राहुल गांधी नूं ही लैके। तरविंदर मरवाह जो BJP आगू ने, उन्होंने कहना सी कि राहुल गांधी बाज आ जाए, नहीं तो उन्होंने भी हशर उन्होंने दादी वर्गा ही होएगा। इस तमाम जो ने स्टेटमेंट्स तो बाद कितना कितने हुण जो कांग्रेसी आगू ने भड़कते हुए विखाई दे रहे ने। राहुल गांधी नूं आतंकवादी कहते हुण कांग्रेसी आगू दिल्ली तुगलक रोड उत्ते पहुंचे ने ते पुलिस थाने च मामला दर्ज करवाना वास्ते आए ने। हम सब लोग जानते हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज़्यादा निचले स्तर पर नहीं गिर सकती। चलिए एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपये मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज़ पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज़ पसंद नहीं क्योंकि वो अकलियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं,
दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे, आपको उसकी आवाज उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है, जान की जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अकलियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे, ये आज हम कहना चाहते हैं। और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभालें, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं, और ये कोई एक जगह दो जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का, इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं, तो ये कहां की राजनीति है। एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही, तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती, इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और चार लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होनी चाहिए। आपको याद होगा गृह मंत्री के खिलाफ जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किसी तरह से टिप्पणी की गई थी जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था और कार्रवाई। देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि इस तरीके की टिप्पणी राहुल गांधी जी के खिलाफ में जो करी गई आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, यह अप्रत्याशित है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति की गरिमा को बना करके रखें, ये उनके नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर वायलेंस को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और जान से मारने की धमकी जिस तरीके से खुलेआम दी जा रही है, जुबान काटने की धमकी जिस तरीके से दी जा रही है, आपको कोई बात पसंद नहीं तो आपको किसी की आवाज़ बात पसंद नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की वो अगर बात करते हैं तो उनको आप आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि FIR होगी और उससे भी ज़्यादा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर लगाम कसेगी। और साथ में ये भी फिर से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी कभी डरी नहीं है इन धमकियों से, हम सब के सब लोग तैयार हैं अपनी जान को देने के लिए और किसी भी तरीके से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग हिंदुस्तान में दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अकलियतों के और संविधान को बचाने की आवाज़ हम उठाते हैं। दुर्भाग्य है नेता प्रतिपक्ष है वो, उनको मारने की धमकी दी जाती है, आतंकवादी कहा जाता है, और BJP के नेता चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, जो नड्डा साहब हो, ये सब चुप बैठे हुए हैं। तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा वो सोच।
मेरा मेरे सहयोगी रवि मिश्रा फोन लाइन से जुड़े हुए ने। रवि, जानना चाहेंगे कौन कौन से कांग्रेसी नेता वहां पहुंचे हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, और अजय माकन की तरफ से कहा गया है कि बाय नेम चार जो है बीजेपी के नेता हैं जिन पे एफआईआर दर्ज करवाई गई। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर बात करें तो कल से ही राजधानी दिल्ली में ये मुद्दा उठाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिख के शिकायत दर्ज की, बात रखी अपनी ये पत्र के माध्यम से किस तरीके से जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो गलत बयान दे रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। और उसी सिलसिले में हमने देखा कि आज अजय माकन जो कि वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी है, उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखी और उन्होंने प्रेस वार्ता में ये बताया कि वो तुगलक रोड थाने में गए जहां पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। तमाम चार ऐसे भाजपा के नेता हैं जिन्होंने हाल में ही राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस का सेंटिमेंट है वो आहत होता है और एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो चीजें हैं, पॉलिटिकल में एक मर्यादा होती है, राजनीति में एक मर्यादा होती है, उन मर्यादों को दरकिनार करते हुए ये बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आया। बात करें सबसे पहले पत्र में लिखा हुआ है जिस तरीके से भाजपा नेता सरविंदर सिंह मरवा ने बयान दिया हाल में ही 11 तारीख को, और उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी की हत्या जैसी बात उन्होंने बात बात नहीं है दी, कहीं ना कहीं इसकी काफी इसका निंदा भी हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपने आप को व्यक्तित्व से रखा, बयान से अपने आप को किनारा कसा। जी जी, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश हमें तमाम जानकारी देने लई ते इस विचारे जो अजय माकन ने तमाम कांग्रेसी आगू ने सीनियर कांग्रेसी आगू तुगलक रोड ते उत्थे पहुंचे ते चार बीजेपी आगू दसे जा रहे ने जिन्हां दे खिलाफ मामला दर्ज जो है वो करवाया जा रहा है। हाल ही च जो है राहुल गांधी दे वलों एक बयान सिखां नूं लैके दित्ता गया सी, जिस तों बाद बीजेपी विधायकों के वालों बीजेपी लीडर्स के वालों वक् वक् विवादित बयान सामने आ रहे हैं। रवनीत बिट्टू की असी गल करिए, रवनीत बिट्टू के वालों राहुल गांधी नूं आतंकवादी कहा गया सी, तलविंदर सिंह मरवाह ने तो इत्थे तक कहता सी कि राहुल गांधी बाज आ जाए नहीं तो उन्हों का हशर भी उन्हों की दर्दी वर्गा ही होएगा। तो केंद्र राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट च पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन दायर की गई है। ते इस तो पहला जे असी गल करिए ते दिल्ली तो बाद भोपाल दे मध्य प्रदेश भी रवनीत बिट्टू के खिलाफ जो है वो शिकायत दी गई है, जो कांग्रेसी आगू ने कितना किते हमलावर ने कितना किते रोस उन्होंने वालों जाहिर किया गया कि विवादित बयान जो है राहुल गांधी दे वालों दिता गया। दिल्ली ते भोपाल वक् वक् तस्वीर ने जिते कि दिल्ली की तुगलक रोड तमाम तस्वीर अजय माकन मौके पर पहुंचे ते चार कांग्रेसी माफ करना चार बीजेपी आगुआ के खिलाफ बाय नेम मामला जो है दर्ज करवाया गया। गृह रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी जी के खिलाफ गलत बयान दिए, यानी नरेंद्र मोदी जी की शय पे दी, मोदी जी के कहने पे दी। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक विधायक ने और यूपी के एक मंत्री ने भी बयानबाजी की, मतलब बीजेपी के पार्टी का एजेंडा है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि राहुल गांधी जी जिस बात को लेकर पूरे देश में चुनाव में लोकसभा के में गए कि संविधान खतरे में है, बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध है, आम जनता की समस्या उठाओगे तो पहले सोशल मीडिया में अरबों खरबों रुपए खर्च करके उन पर हमले किए जाते थे, अब डायरेक्ट उनके मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता अनर्गरल उनके खिलाफ बयान बोल रहे हैं। जब हम थानों में इस बात की शिकायत करते हैं तो ये जो थाना है इसका व्यवहार कैसा, जैसे बीजेपी का मंडल अध्यक्ष का कार्यालय हो और टीआई का वक्तव्य कैसा, यानी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष टीआई बन के बैठा हो, इस तरह का व्यवहार क्या कहता, ये संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? हम पिछले 2 घंटे से सीधे एविडेंस है, वीडियो है, उस पर एफआईआर कराना चाहते हैं, पर ऊपर से आदेश है सरकार का, इसलिए फायर नहीं होगी। मतलब मैसेज ये है जो राहुल गांधी कहते हैं संविधान खतरे में है, बोलने की आज़ादी पे प्रतिबंध है, पुलिस विभाग सर्विस रूल के अधिकारी पालन नहीं करेंगे और फायर नहीं लिखेंगे, ये मैसेज है कि संविधान खतरे में है।
केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी दाखिल की गई है। दायर की गई है कि हिंदू सेना के प्रधान सुरजीत यादव ने आप पटीशन जनहित पटीशन दाखिल की है। बिट्टू के वलों राहुल गांधी अतवादी कहने अज पटीशन है दाखिल की गई है। बिट्टू वालों राहुल गांधी अतवादी कहा गया कि जनहित पटीशन च दिल्ली हाईकोर्ट तो बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है की गई है। पटीशनकर्ता का कहना है कि बिट्टू की बयानबाजी नाल हिंसा भड़क सकती है। केंद्र राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई है, दायर की गई है। इससे पहले जैसी गल करिए हाल ही जो सीनियर कांग्रेसी आगू ने अजय माकन वह भी दिल्ली के तुगलक रोड थाने उत्ते पहुंचे तो चार बीजेपी आगुआ के खिलाफ बाय नेम परचा जो है वह दर्ज करवाया गया है। हुण पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी जो है वह दाखिल की गई है। तो बिट्टू की बयानबाजी नाल हिंसा भड़क सकती है। पटीशनकर्ता ने इस पटीशन च तमाम गलों का जो जिक्र है वह किया है। जनहित पटीशन च दिल्ली हाईकोर्ट तो बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है वह की गई है। मेरे मेरे सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन से मौजूद ने। पंकज, रवनीत बिट्टू के खिलाफ आ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई, की कुछ अहम गलों का जिक्र है इस लिटिगेशन च? देखो काफी अहम है क्योंकि जिस तरीके के नाल पिछले दिनों च केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की स्टेटमेंट आई है राहुल गांधी को लेकर, और इस दे नाल यह कहा जा रहा है कि जिहड़े ने भड़काऊ भाषण के नाल हालात जिहड़े ने वो खराब हो सकते हैं, और इसे वजह करके जिहड़ा उहदा कोर्ट का रुख किया गया है। और देखने वाली गल होगी कि इस PIL नूं सेट किया जाता है और की कुछ इसे हाईकोर्ट का जिहड़ा उहदा कहना है। लेकिन एक गल जरूर है, रवनीत सिंह बिट्टू के बयानों तो बाद पंजाब तो लैके दिल्ली तक सियासत जी बुरी तरीके के नाल गरमाई हुई है। और रवनीत सिंह बिट्टू नूं जिते कांग्रेस के तमाम लीडर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहला दिल्ली के पुलिस स्टेशन के भी एक शिकायत जी है वो दर्ज करवाई गई अजय माकन के वलों और होर कांग्रेस के लीडर के वलों, जिस चार लीडर का नाम से उन्होंने एक रवनीत सिंह बिट्टू भी। दूजे पासे कोर्ट का रुख भी जिहड़ा है रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ किया गया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सानू तमाम जानकारी देने लई। केंद्र राज मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई है। कांग्रेसी आगुआ च वड्डा रोस वेखण नूं मिल रहा है, पर आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी पाई गई है। हिंदू सेना के प्रधान सुरजीत यादव ने उन्हां दा कहना है कि इहो जी बयानबाजी नाल जो माहौल है वह खराब हो सकता है। तो बिट्टू वालों राहुल गांधी नूं अतवादी कहण ते जो बवाल है लगातार जारी है, वक्त वक्त थावां ते जो है कंप्लेन की जा रही है। दिल्ली की असी गल करिए ते दिल्ली तुगलक रोड ते बीजेपी के चार आगुआ के खिलाफ बाय नेम परचा दर्ज करवाया गया है। भोपाल च भी मामला दर्ज करवाया गया है, भोपाल जो मध्य प्रदेश का है। तो हुण एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वह दाखिल की गई है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मरहूम CM बेअंत सिंह बहाने रवनीत सिंह बिट्टू ते भी निशाने साधे ने। सुखजिंदर रंधावा ने कहा है कि बिट्टू ने अपने दादे की पग नूं दाग लगाया है। बिट्टू ने अपने दादे नूं कठहरे च खड़ा किया, बेअंत सिंह ने देश की अखंडता लई जान दित्ती सी। बिट्टू के दादा 1980 च कांग्रेस के मंत्री रहे ने। रंधावा ने कहा है कि बिट्टू के दादा 7 साल तक पंजाब कांग्रेस के प्रधान रहे, इस तो बाद वो पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने। कांग्रेस ने नहीं पंजाब च अतवाद फैलाया है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी हुण मरहूम CM बेअंत सिंह के बहाने रवनीत बिट्टू ते तिखे शब्दी हमले किए। पंजाब में आतंकवाद का कांग्रेस के पेड़ है, तो मैं इस वक्त जिसको पूछना चाहता हूँ, आज तुम्हें अपने दादा की पगड़ी को दाग लगा दिया, जिसने देश की अखंडता के लिए अपनी जान दे उसको भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन पक्षी में यदि मैं सरदार बेअंत सिंह की मिनिस्टर बने मेरे पास मिनिस्टर बने और उसके बाद वहाँ तोड़ दी गई राज के टाइम 7 साल सरदार बेअंत सिंह जी PCC के प्रधान रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और फिर वो मिनिस्टर रहकर PCC के रहते थे बनकर, और जो चीफ मिनिस्टर बनकर जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाते थे कि सरदार बेअंत सिंह ने सिखों को मारा है, वो इस राज को अपने दादा को, मैं नहीं कहता कि उन्होंने टेररिज्म कमिट किया था, इसने अपने दादा को आज अगे वधांगे ते गल करांगे मोहाली दी। मोहाली च कारोबारी नूं गोल्डी बराड़ दे नाम ते धमकी देण दा मामला सामने आया है। 2 करोड़ दी रंगदारी नहीं देण ते जानू मारन दी धमकी दित्ती गई है। ते कारोबारी नूं विदेशी नंबर तो फोन कॉल आया सी। फार्मा कंपनी दे मालक दी शिकायत ते मामला दर्ज करवाया गया है।
सोहाना पुलिस थाने च गैंगस्टर गोल्डी बराड के खिलाफ मामला दर्ज जो है पुलिस दे वल्लों कीता गया ते मोहाली च कारोबारी नूं गोल्डी बराड दे नाम ते धमकी देण दा मामला जो है सामने आया है। 2 करोड़ की रंगदारी नहीं देण ते जानू मारन की धमकी दी गई है, थ्रैट कॉल दी गई है। कारोबारी नूं विदेशी नंबर तो फोन कॉल आया सी फार्मा कंपनी दे मालक ने जिन्हां नूं आ धमकी भरी कॉल जो है वो दी गई है ते जो फार्मा कंपनी दे मालक ने उन्हां दी शिकायत तो बाद मामला पुलिस दे वल्लों दर्ज कर लिया गया है। सुहाणा पुलिस थाने च गैंगस्टर गोल्डी बराड दे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मेरा मेरे सहयोगी मनोज राठी फोन लाइन ते मौजूद ने। मनोज जानना चाहवांगे कदों आ थ्रेट कॉल आई ते की कुछ कार्रवाई पुलिस दे वल्लों? देखो सुरजोत, इहदे विच दो तीन चीजां बहुत अहम है जिहड़ी सुहाणा पुलिस नूं शिकायत दित्ती है जिहड़ा बिजनेसमैन है, क्योंकि इहदे विच दो बिजनेसमैन नूं शिकायत आई है। एक फार्मा कंपनी के जिहड़े मालिक ने ते एक उन्होंने जिहड़े साथी है बिजनेसमैन, उन्होंने लगातार पिछले जून तो यानी कि जून जुलाई अगस्त ये 3 महीना तो लगातार विदेशी नंबर तो कॉल आ रही थी, बाहर के नंबर है जिन्होंने जिहड़ा है पहला गल की कि मैं गोल्डी ब्रांड का नाम लैके ये जिहड़ी रंगदारी मंगी जा रही थी, हिस्सेदारी पाने की गल की गई थी, जेकर तुहानू सिक्योरिटी चाहिए तो असीं सिक्योरिटी भी तुहानू मुहैया करा देंगे, तुहानू बाउंसर जे चाहिए तो तुहानू बाउंसर भी दे देंगे। और गोल्डी बराड़ दे दा नाम लैके हुण हालांकि हुण इनवैसटीगेशन का पार्ट है कि वह गोल्डी बराड़ बोल रहा है या कौन है, ये तो हुण इनवैसटीगेशन पुलिस करूगी, लेकिन गैंगस्टर का नाम लैके हालांकि ये मामला जिहड़ा हैगा हुण जब पुलिस कोल पहुंचा जिहड़े व्यापारी ने उन्होंने जब पुलिस के कोल मामला पहुंचाया तो ये दस्या कि लगातार धमकियां आ रही थी, जब उन्होंने नंबर भी ब्लॉक किए तो दूजे नंबर से उन्होंने वॉयस नोट आने लगे, उस तो बाद इन्होंने पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया। लेकिन सरबजोत, इस तरह के जिहड़े मामले है वो कितने ना कितने पिछले दिनों वधे हैं कि गैंगस्टर का नाम लैके, क्योंकि 2 दिन पहला ही आरनेट जिहड़े पंजाबी सिंगर ने उन्होंने भी धमकियां आ रही है, उन्होंने भी रंगदारी मंगी जा रही है, कदे लॉरेंस का नाम लैके कदे दूजे गैंगस्टर का नाम लैके, इस तरह के जिहड़े क्योंकि जिहड़े पुलिस अफसरों वल्लों जानकारी दी गई है कि इस तरह की जिहड़ी भी कोई धमकी आती है, क्योंकि कई बार इस तरह के भी केसिज आए ने, कई इस तरह के जिहड़े फड़े गए ने बदमाश जो कि गैंगस्टर का नाम लैके इस तरह की धमकियां देते हैं। हालांकि असली है या नकली है ये तो हुण इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन पुलिस ने अपने लैवल से मामला जरूर दर्ज कर लिया ते हुण जिन्हें भी जिहड़े कॉल्स आ रहे थी नैट के नंबर से कॉल आ रहे थे प्लस और भी दूजे नंबर से कॉल आ रहे थे उन्होंने हुण साइबर सैल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो ये कई चीज़ों का खुलासा जिहड़ा आने वाले दिनों पुलिस करूगी और पुलिस की लगातार जिहड़ी हैगी है वो इस तरह की जिहड़ी कंप्लेंटा आती है उन्होंने साइबर सैल से आई टी विंग नूं इहदे विच जरूर इनवॉल्व किया जाता है कि आखिर यह किस नंबर तो कितने नंबर तो फोन आ रहा है और किहड़े जिहड़े हैगे कितने इंडिया तो ही कॉल कर रहे हैं क्योंकि नैट नंबर होंदे हैं या फिर विदेशों च कॉल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों लैके हुण पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर जुड़ गई है क्योंकि एक बिजनेसमैन तो 2 करोड़ की रंगदारी मंगी गई है तो एक फार्मा कंपनी के जिहड़े मालिक है उन्होंने हिस्सेदारी की गल की गई है कि साडे नाल हिस्सा पाओ, हालांकि इसने मामला दर्ज कर लिया, FIR की कॉपी जिहड़ी है साडे कोल मौजूद है जिहदे विच साफ तौर पर सारी चीज़ां लिखी हुई है कि कद कद उन्होंने कॉल आया, किहड़े नंबरों तो कॉल आया, सारी चीज़ों लैके हुण पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सानू तमाम जानकारी देने लई ते मोहाली च कारोबारी नू गोल्डी बराड़ दे नाम ते धमकी आई है, थ्रेट कॉल दित्ती गई है, 2 करोड़ की रंगदारी नहीं देने ते जानों मारन की धमकी भी दी गई है। इस तो पहला असी वेख्या सी कि किस तरीके नाल पंजाबी सिंगर आर नेत नूं भी धमकी भरी थ्रैट भरी कॉल आई सी ते फार्मा कंपनी दे मालक ने जिन्हां नूं थ्रैट भरी धमकी दी गई है, इस पूरे मामले च शिकायत तो बाद पुलिस दे वल्लों गोल्डी बराड़ दे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।